नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एबीडी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बहादुरों को याद करना, लामूचेन व्यू पॉइंट ब्रीफिंग। जब तुम घर जाओ तो उन्हें हमारे बारे में बताओ और कहो, अपने कल के लिए हमने अपना आज दिया। ऑपरेशन विजय के दौरान द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टरों में लड़े गए युद्ध भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान का प्रमाण है। वीर नारियों, परिजनों, युद्ध नायकों और सभी आमंत्रितों ने 25 जुलाई 2022 को लामूचेन व्यू पॉइंट पर इन लड़ाइयों का वर्णन देखा। ब्रीफिंग इतिहास के माध्यम से श्रोताओं को जून और जुलाई 1999 की अवधि तक ले गई, जब सबसे भीषण युद्ध भारतीय सैनिकों द्वारा लड़े गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तरी कमान के AVS SM GOC NC लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की और कई दिग्गज और सेवारत अधिकारियों के साथ 14 वीर नारियों, 2 वीर माता और 10 योद्धा नायकों ने भाग लिया। यह भारतीय सेना द्वारा हासिल की गई लगभग असंभव उपलब्धि को दर्शाने वाली स्मृति लेन की सैर थी। वीर नारियों और वॉर हीरोज द्वारा साझा किए गए अनुभवों और वास्तविक जीवन की कहानियों ने दर्शकों को गर्व से भर दिया और उन्हें हमारे सैनिकों की बहादुरी, निडर भावना, चिरस्थायी उत्साह और दृढ़ संकल्प की याद दिला दी। उन्होंने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी थी। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीडी न्यूज 24x7। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एबीडी न्यूज 24x7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।